हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट सैंड एग्रीगेट क्वांटिटी फॉर M10 ग्रेड कंक्रीट। M10 ग्रेड कंक्रीट का रेशियो होता है 1 सीमेंट 3 सैंड 6 एग्रीगेट। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा आता सम ऑफ रेशियो 1 + 3 + 6 = आ गया हमारा 10 सम ऑफ रेशियो। वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट 1.54 to 1.57 लेते हैं, जो कि हमारा श्रिंकेज और सेफ्टी फैक्टर है। अब हम सबसे पहले 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट वर्क के लिए सीमेंट सैंड एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट रिक्वायर इक्वल टू एग्रीगेट रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो इनटू 1.57। एग्रीगेट रेशियो 6, हमारा सम ऑफ रेशियो 10 इनटू 1.57। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट आएगा 0.942 m³। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सैंड रिक्वायर इक्वल टू सैंड रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो इनटू 1.57। सैंड रेशियो है 3 बाय सम ऑफ रेशियो है 10 इनटू 1.57। हमारा आ गया 0.471 m³ वॉल्यूम ऑफ सैंड। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर इक्वल टू हो गया हमारा सीमेंट रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो इनटू 1.57। सीमेंट रेशियो हो गया हमारा 1, सम ऑफ रेशियो हो गया 10 इनटू 1.57। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ गया 0.157 m³। अब हम वेट ऑफ सीमेंट निकालेंगे, वेट ऑफ सीमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इनटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट है हमारा 0.157 इनटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट होता है 1440। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा 226.08 हमारा वेट आ गया सीमेंट का। अब हम जानते हैं कि 1 बैग सीमेंट का वेट 50 kg होता है, तो अब हम 226 को 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ बैग निकल जाएगा, जो कि 4.5 4.5 बैग लगेगा हमारा सीमेंट। अगर हमें 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट वर्क करना है M10 ग्रेड कंक्रीट का, तो हमारा एग्रीगेट 0.942 m³, सैंड 0.471 m³ और सीमेंट 4.5 बैग लगेगा।